और अगली खबर का रुख करते हैं रामपुर से। यह बड़ी खबर है, अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ेंगी या राहत, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज फैसला आ सकता है। और आपको बता दें रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला आज सुनाने जा रही है। फैसले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब्दुल्ला को राहत या फिर सजा होगी, ये एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको रामपुर से बता रहे हैं, अब्दुल्ला को राहत मिलेगी या फिर अब्दुल्ला को सजा दी जाएगी, इसका फैसला आना बाकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता फहीम खान जुड़ गए हैं। फहीम, इस खबर को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है, क्या राहत मिलेगी या सजा मिलेगी, क्या फैसला आ सकता है कोर्ट का? फहीम, शायद आपका म्यूट हो रखा है माइक, प्लीज उसे अनम्यूट कीजिए। तो आपको बता दें कि अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ेंगी या राहत, यह एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। तो हमारे संवाददाता फहीम के पास सीधे लिए चलते हैं। फहीम, ये बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि राहत मिलेगी कोर्ट की ओर से या फिर सजा सुनाई जाएगी, क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब्दुल्ला आजम का ये मामला सामने आया और ये इसमें 2019 में आकाश कुमार सक्सेना विधायक, जो इस वक्त रामपुर के शहर विधायक है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद में लगातार डे टू डे हेयरिंग हो रही थी, इसमें बहुत सारी कोशिशें की गई अब्दुल्ला आजम की तरफ से इस मामले में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वो गए, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें उनकी याचिका को खारिज किया है और खारिज करने के बाद अब रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है कि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ वो आज आदेश पारित करें। और क्या आदेश उनके खिलाफ होगा या उनके पक्ष में होगा, ये उनके विवेक के ऊपर है। लेकिन आज पूरी देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें अब्दुल्ला आजम के इस मामले पर टिकी हैं और अब्दुल्ला आजम उसमें साथ में आजम खां और उनकी अब्दुल्ला आजम की मां तंजीम फातिमा पूर्व विधायक, वो भी इसके अंदर आरोपित हैं। और उसमें किस तरह से उनको राहत मिलेगी या उनको आज जो है वो आफत आएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जो आजम खां है वो लगातार बहुत सारे मामलों में घिरे हुए हैं और अब्दुल्ला आजम लगातार वो भी कई मामलों में अदालत के चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आज अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है। लेकिन जिस तरह से अब्दुल्ला आजम के मामले में लगातार पैरवी की गई है और पूरी तरह से इसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अब्दुल्ला आजम भी गए हैं, तो सरकार ने भी लगातार इसको इसका पीछा करने के बाद उन्होंने अपना पक्ष रख के अपने आप को मजबूत दिखाया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कल उनकी एप्लीकेशन को इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि इसमें वक्त बहुत कम बचा है और इस वक्त के हिसाब से उनको समय बहुत ज्यादा दिया गया और जो आखिरी वक्त था बहस का, अब्दुल्ला आजम वो गवा चुके हैं। जबकि कोर्ट ने साफ कहा था कि आप अगर चाहें तो 16 तारीख तक भी इसको, 16 अक्टूबर तक भी आप इसमें बहस को अपनी लिखकर भी दे सकते हैं। अगर यहां आकर बहस अपनी नहीं कराना चाहते तो आप लिखकर भी भेज सकते हैं, लेकिन वो वक्त भी बीत चुका और अब्दुल्ला आजम उस समय को भी गवा चुके, अपना पक्ष वो नहीं रख पाए हैं। और ऐसे में जब कोर्ट का फैसला आएगा तो कोर्ट के फैसले के बाद ये सोची साजी समझी इसे जो है वो रणनीति माने या लेकिन क्या फहीम माने? अगर ये फैसला अब्दुल्ला के खिलाफ आता है तो किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? जी देखिए, मुश्किलों की अगर मैं बात करूं तो अब्दुल्ला आजम पहले ही विधायकी गवा चुके हैं क्योंकि उनके खिलाफ जो है कई सारे मुकदमे थे। एक मुकदमा उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी एज को लेकर भी गया था और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। तो आज जो ये फैसला आएगा, ये फैसला क्योंकि विधायकी पहले गवा चुके हैं तो कुछ ज्यादा बड़ा फर्क पड़ने वाला तो नहीं अब्दुल्ला आजम को, लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक घराना है और इस राजनीतिक घराने को इसमें एक तरह से ये जो मुश्किल है वो पूरे परिवार के लिए होगी क्योंकि आजम खां भी है इसके अंदर, इसी मुकदमे में अब्दुल्ला आजम की मां डॉक्टर तंजीम फातिमा भी इसके अंदर है। तो ये जो मुश्किलें हैं ये पूरे परिवार के लिए बढ़ेंगी और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली है तो ऐसे में रामपुर की कोर्ट इनको राहत देगी या नहीं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है।
बड़ा चर्चित मामला रहा है और इस मामले में आकाश कुमार सक्सेना लगातार जो बादी हैं इसके वो लगातार इसका पीछा करते रहे हैं और अब्दुल्ला आजम ने जिस तरह से, जैसे मैं समझ रहा हूं कि सोची समझी रणनीति हो सकती है कि उन्होंने अपने बहस को जो है इसमें शामिल नहीं कराया और कल वो सुप्रीम कोर्ट जाके भी वापसी आ गए और आज एमपी एमएलए कोर्ट का बिल्कुल रास्ता साफ हो गया है कि इसमें एमपी एमएलए कोर्ट उस अपना फैसला सुनाए। अब फैसला ये अब्दुल्ला आजम के पक्ष में होगा या फैसला ये उनके खिलाफ होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये 2 बजे के बाद पता लगेगा, लेकिन आजम खां के ऊपर, अब्दुल्ला आजम के ऊपर और उनकी मां डॉक्टर तंजीम फातिमा के ऊपर अगर उनके खिलाफ फैसला पहुंच जाता है ये तो इसमें फर्क तो पड़ेगा और बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और इनकी परेशानियां और बढ़ेंगी। जी जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।